हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आज निमोना का रेसिपी बनाने जा रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देखिए, सामान यह देख लीजिए। आलू लेंगे, मटर लेंगे, धनिया लेंगे, हरा लहसुन लेंगे, अदरक लेंगे, थोड़ा सा लहसुन लेंगे, सूखा वाला मिर्चा लेंगे, टमाटर लेंगे, और प्याज एक लेंगे। आलू को हम देखिए गाइस इस तरह हम लोग काट लेंगे, इतने बड़े टुकड़े में काटेंगे। देखिए गाइस, अदरक काट लिए हैं, लहसुन मिर्चा, हरा लहसुन, धनिया, ये प्याज है। इसको प्याज इतना आधा प्याज को हम काटेंगे, इसमें पीसेंगे, अब आधा को उस सब्जी बनाते हुए डालेंगे। मटर जो है पूरा इतना मटर डालेंगे निमोना बनाने के लिए, और थोड़ा सा निकाल कर सब्जी उस तरह डालेंगे सब्जी में। आलू को बारीक ऐसा काट लेंगे गाइस। ये देखिए, सारा लहसुन, अदरक, सूखा लहसुन, मिर्चा, धनिया, ये सब इसको डालकर पीस लेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। गाइस देखिए, मसाला पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। गाइस आधा प्याज पीसे हैं, आधा प्याज को हम बारीक काट लेंगे। दो तेज पत्ता, जीरा, हींग इतना हम डालेंगे इसमें निमोने में। अब इसमें हम बारीक प्याज भी डालेंगे। गाइस देखिए, प्याज को सुनहरा ब्राउन कर लेंगे। गाइस देखिए, ये सुनहरा लाल प्याज हो गया है। अब मसाला इसमें डालेंगे। ये देखिए पेस्ट है। इसमें हम गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। गाइस देखिए, ये आलू और मटर को भी इस मसाले में डाल देंगे। देखिए, ये मसाला देखिए बॉल आ चुका है। अब इसको इसको डालने से इसमें भी टेस्ट आ जाएगा। अच्छा राइस, इसमें देखिए आप स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसको हम ना मिक्स करके अब इसको हम ढक देंगे, थोड़ा देर तेल छोड़ने तक पकाएंगे। ये देखिए, धनिया को बारीक हम काट लेंगे। गाइस देखिए, टमाटर को बड़े साइज में काटेंगे, बारीक नहीं काटेंगे। दो टमाटर लिए गाइस। आज हम लोग को निमोना चावल खाने का मन है। आज रोटी हम लोग नहीं बनाएंगे, आज चावल बनाएंगे। ये देखिए, कुकर में चावल बनने के लिए रख दे रहे हैं, और मसाला हमारा भून के तैयार हो गया। गाइस देखिए, मसाला भी अच्छे से भून के तैयार हो गया। देखिए तेल छोड़ चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अभी ये उबाल हो जाएगा, आलू पक जाएगा, तो इसमें हम टमाटर और धनिया डालेंगे। अब इसको हम ढक कर पकाएंगे मीडियम आंच पे। गाइस देखिए, निमोना अब तैयार हो चुका है। देखिए कलर गाइस, अब इसमें हम धनिया और टमाटर डालेंगे। उसको 2 मिनट पकाएंगे, फिर उसको सर्व करेंगे।
नमूना बनके तैयार हो गया है। देखिए गाइस, देखिए सब पक के तैयार हो गया है। देखिए कलर कितना अच्छा आया हुआ है। अभी गैस बंद कर देंगे, अब इसको सर्व करेंगे। गाइस देखिए चावल है, अब चावल और निमोने को हम लोग खाएंगे और टेस्ट करेंगे कैसा बना है। गाइस बहुत अच्छा बना हुआ है, ये बनारस की रेसिपी है और आप लोग भी निमोना चावल घर पर बनाइए और एंजॉय करिए।